हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जैसे एकादशी का महत्व है, उसी प्रकार प्रदोष व्रत भी अत्यंत विशेष माना गया है। इसमें मुख्य अंतर इतना ही है कि जहां एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है, वहीं त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के दोनों पक्ष कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल के समय की जाती है। प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़े तो वह गुरु प्रदोष होता है और इस बार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 16 दिसंबर गुरुवार को है। साथ ही इसी दिन धनु संक्रांति भी है, जिस कारण ये प्रदोष बेहद खास होगा। तो आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की शुभ तिथि यानी कि प्रदोष व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और साथ में जानेंगे गुरु प्रदोष के दिन किए जाने वाले महा उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के दो पक्ष होते हैं, जिन्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ऐसे में त्रयोदशी तिथि पर रखे जाने पर दोष व्रत दोनों पक्षों में आता है, शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी। इस तरह से पूरे साल में कुल 24 प्रदोष व्रत आते हैं और इस व्रत का सनातन धर्म में यानी कि हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व माना गया है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत पर भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। वहीं यह प्रदोष व्रत सप्ताह के वार के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि सोमवार को त्रयोदशी होने पर सोम प्रदोष कहलाता है, वहीं मंगलवार को हो तो भूम प्रदोष कहा जाता है। इस तरह से सप्ताह के वार के नाम से भी प्रदोष व्रत जाना जाता है। मार्गशीर्ष माह का यानी कि साल 2021 के महीने 10 दिसंबर का मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष और पौष माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत पड़ेगा, जो कि गुरु प्रदोष और शुक्र प्रदोष होंगे। यानी कि साल 2021 के अंतिम महीने दिसंबर में मार्गशीर्ष माह चल रहा है और 16 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। आइए अब जानते हैं मार्गशीर्ष माह के प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल प्रदोष व्रत 16 दिसंबर गुरुवार के दिन व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 16 दिसंबर गुरुवार शाम के 5:27 से लेकर के 8:11 तक। त्रयोदशी तिथि वैसे तो 16 दिसंबर को प्रातःकाल 2:01 पर शुरू होगी और 17 दिसंबर प्रातःकाल 4:40 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। यानी कि व्रत, अगर आप व्रत रखते हैं तो 16 दिसंबर गुरुवार के दिन व्रत रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इस बार मार्गशीर्ष माह के प्रदोष काल में प्रदोष व्रत पर शुभ योग बन रहे हैं वे कौन से योग हैं। दोस्तों, इस बार मार्गशीर्ष माह का प्रदोष व्रत 16 दिसंबर गुरुवार के शुभ योग में है,
और यह गुरु प्रदोष व्रत है, इसीलिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि इस दिन धनु संक्रांति भी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार संक्रांति पर्व के दिन स्नान दान शिव पूजा करने से मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत और शिव पूजा से जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है। आइए अब जानते हैं दोस्तों गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि। गुरु प्रदोष का व्रत रखने वाले जो भी साधक होते हैं उनके दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लेकर गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराकर बेलपत्र, शहद, पुष्प, मदार पुष्प और शहद, सफ़ेद चंदन ये चीज़ें अर्पित करें। गुरु प्रदोष का व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा तो करनी ही चाहिए, यानी कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया का पहला शिवलिंग जो इसकी पूजा की शुरुआत का गवाह है, तो इस दिन प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती और गणेश जी के सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। वहीं माना जाता है कि शिव पूजा से पूर्व माता पार्वती की पूजा अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। अब भगवान शिव को केवल सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और फिर शिव की आरती करें। इसके अलावा दोस्तों प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, जिसे भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, तो भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि ये बेलपत्र अर्पित करने से बहुत ही खुश होते हैं और हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। तो आप पूजा में बेलपत्र, शहद, पुष्प, मदार पुष्प, सफ़ेद चंदन ये चीज़ें अर्पित करें और फिर शिव पंचाक्षरी यानी शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शिव परिवार के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें, फिर शिव पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप करें। शिव पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें और अंत में आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें, व्रत कथा जरूर पढ़ें और फिर आरती करें और शिव परिवार को खीर का भोग लगाएं। इस तरह से पूजा संपन्न करें। दोस्तों इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अधिक से अधिक भगवान शिव का स्मरण करें, भोलेनाथ का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें और पूरे दिन आप माता गौरी और भोलेनाथ की पूजा करते हुए उनके मंत्रों का जाप करें। और इस दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु प्रदोष है तो देर नहीं करते हैं, ये जानते हैं कि वे उपाय कौन से हैं। दोस्तों गुरु प्रदोष और धनु संक्रांति के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ साथ समस्त परिवार यानी कि समस्त शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। धनु संक्रांति के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराकर दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य कर सकते हैं। और गुरु प्रदोष के दिन शिव पूजन में शिवलिंग पर गुड़ मिले हुए जल से अभिषेक करना चाहिए। गुरु प्रदोष के दिन ब्राह्मण को पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा प्रदोष और धनु संक्रांति के दिन गायत्री मंत्र का कम से कम एक माला जाप जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप लाइक ज़रूर कीजिए और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें,
आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।